ओए आज के दिन तो उसको नहीं रुलाओ। ये है मेरी प्यारी सी बेटी एजल की फर्स्ट बर्थडे का खूबसूरत सा वेन्यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये क्या क्या लिखा है ऊपर? ये कस्टमाइज बनवाई है? नहीं। फिर वो हमारा कस्टमाइजेशन वाला बंदा बैठा है। यार क्या लिखा है तुमने, सही बात है, ऐसे ही लग रहा है जैसे प्रिंटिंग की हो। उसके भी सही। हाय क्या हाल है, ठीक हो? मजाक है यार। और ठीक हो? इधर दो हाथ, दो ना तुम्हारे हाथ पे तो थूक फेंको तो। अच्छा अल्लाह अकबर, चेक कर तू कहता चूमती है। आप मेरी गर्लफ्रेंड देखोगे ना? हाँ। तो ख्वाबों में आएगी। ख्वाबों में कौन आएगी? मर परे जाके ख्वाबों में, ख्वाबों में आएगी, चुड़ैल है वो। घर के ड्राइंग रूम में हमारे में सैलून खुल चुका है और लेडीज लोग ने तैयार श्यार होना भी शुरू कर दिया है और अब बॉयज लोग भी अपनी तैयारी पकड़ते हैं। उसके एक्सप्रेशन ही चेंज हो गए। किसके? किसके? अर्जू के? क्या करती है? फोन ऑन होते। हम लोग जी रेडी शेडी हो चुके हैं अभी बर्थडे के लिए। कमल भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, ये भी रेडी हो गई है। आदिल तो हमेशा ही ऐसे ही लग रहा होता है। अब्बा जान भी अच्छे लग रहे हैं रेडी शेडी होकर, और बाकी सारी आवाम भी रेडी खड़ी है। बस एक और बंदा है जो कि पहुंचा नहीं है, वो है चौधरी ज़ेबी ऑफिशियल। वो पता नहीं कहाँ गया है। सारे उसी के इंतजार में खड़े हैं रेडी शेडी होकर, ताकि वेन्यू की तरफ हम लोग चलते हैं। ऑफिशियल के साथ सारे आ जाते हैं। अबरार के साथ लड़कों को बिठाओ ना। हाँ ठीक है, ऐसे कर लो ना। तो इब्रार के साथ लड़कों को बिठा दो, ऑफिशियल के साथ अपने घर वालों को ले आइएगा। हाँ उसी को ही कह रहा हूँ। फाइनली दो घंटे लगा कर मैं तो रेडी हो चुका हूँ और जाने लगे हैं वेन्यू की तरफ, क्योंकि टाइम था हमारा 2 बजे का और अभी बज चुके हैं 2:30। 2 बजे के मेहमान आकर कुछ बैठे हुए हैं कमल के मुताबिक, बिकॉज मुझे तो नहीं पता कि मेहमान आ गए हैं कि नहीं आ गए, लेकिन ये कह रही है इसकी दोस्तें कुछ पहुंच चुकी हैं, तो हमने जल्दी जल्दी जाना चाहिए। वैसे तो हमें जाना चाहिए था तकरीबन 1:30 बजे, लेकिन 2:30 बजे जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं, लेट ही पहुँच रही है हमेशा। बर्थडे गर्ल तो रेडी नहीं हुई, बाकी सारे रेडी शेडी होकर ही जा रहे हैं। अच्छा आप उधर जाकर रेडी हो गए? इधर उधर जाकर रेडी होगी, इसका अलग ही प्रोटोकॉल है। आज के दिन तो उसको नहीं रुलाओ। आज के दिन कपड़े तो पहनाने हैं, नंगा थोड़ी लेके जाने हैं। पहुंच गए हैं जी वेन्यू पर, और ये है मेरी प्यारी सी बेटी एजल की फर्स्ट बर्थडे का खूबसूरत सा वेन्यू। अभी मेहमान वगैरह, कमल झूठ बोल रही थी मेरे साथ, शायद आए तो कोई भी नहीं है, लेकिन आना शुरू हो गए हैं। कोई नहीं ना आए मेहमान, अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा तो लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। अंदर बिठा दिया, अंदर बिठा दिया। पता क्यों? अभी थोड़ा सा, थोड़े से और बलून्स लगने हैं। हाँ और ये फील हो रहा है हवा से। हाँ ये ट्रेन तो वो कह रहे हैं चलवा। हाँ ना बच्चों को पता तो चलेगा। हाँ, यहाँ पर एक्टिविटी भी है, ये भी चलना शुरू हो जाएगा। अभी जबरदस्त है यार, जबरदस्त है, माहौल तो हैवी हो गया है। और अल्लाह का शुक्र है कि बारिश नहीं हुई, बिकॉज कल रात 11:30 बजे तक 55% से लेकर 50% चांसेस दे रहा था कि आज बारिश होगी होगी लाहौर में, लेकिन नहीं हुई। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली है और हमारी प्यारी सी छोटी सी नन्नी मुन्नी बेटी का बर्थडे फाइनली होने जा रहा है। बिकॉज अगर बारिश हो जाती तो चूंकि हमारा सारा इवेंट आउटडोर था, तो फिर बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इवेंट बच्चों का है, तो मैं आपको पहले दिखाता चलूं कि हम लोगों ने बच्चों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए हैं। बच्चों के लिए एक तो ये बहुत ही प्यारा सा झूला लगवाया, दूसरा ये ट्रेन है जिसके मतलब मैं और कवल कल बहस भी कर रहे थे कि यहाँ नहीं लगानी, वहाँ लगानी है, वहाँ नहीं लगानी, यहाँ लगानी है। अब फाइनली ये ट्रेन हम लोगों ने इस छोटे से पेड़ के इर्द गिर्द लगा दिए। अभी थोड़ी देर तक चलना भी शुरू हो जाएगी, बिकॉज अभी बच्चे शच्चे आए नहीं है ना, तो जब भी बच्चे आ जाएंगे तभी इसको चलाने की डिमांड आ जाएगी और तब ये चल भी जाए। और बच्चों की सिटी
वेडिंग के लिए हम लोगों ने ये छोटे छोटे से टेबल और चेयर्स लगवाई हैं बिल्कुल स्टेज के सामने। और ये है जी जंपिंग बच्चों के लिए, बड़े भी वैसे जंप तो कर ही सकते हैं। मैं तो यार बर्थडे से फ्री होने के बाद इस पर जरूर जंपिंग वगैरह करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज का हम लोगों ने लगवाया। लास्ट टाइम जो ईदल के अकीका पर हम लोगों ने जंपिंग लगवाई थी ना, वो थोड़ी इससे छोटे साइज की थी, इसलिए वो मुझे कुछ जच नहीं रही थी। तो इस दफा मैंने सोचा था कि जब भी बर्थडे होगी ना, तो जो जंबो साइज वाली जंपिंग होती है ना, वो लगवाऊंगा। तो फाइनली इट इज हियर। और ये बच्चों को देने के लिए गुडी बॉक्स तैयार हो रहा है, और यहाँ पर बेस्ट विशेस के लिए बोर्ड तैयार हो रहा है, और वहाँ पर जी बलून शलून अभी भी फुलाए जा रहे हैं, और पॉपकॉर्न, और यहाँ पर बर्गर शर्गर। कॉटन कैंडी वाला कहाँ है? अच्छा, ये पॉपकॉर्न और कॉटन कैंडी साथ ही है। भाई शुरू करो ना ताकि हम खाएं यार। भाई ने कॉटन कैंडी बनाने के बाद सबसे पहले इफ्तिताह मेरे से करवा लिया, और मैं भी खा रहा हूँ। और तुम लोग उठो यार, फिर स्टार्ट होगी। अबे यार क्या हो गया ट्रेन को यार, ये पाकिस्तान रेलवे की तो नहीं ले आए? तभी नहीं स्टार्ट हो रही। मर गए भाई, किक्की टूट गई है, अब क्या करेंगे? नींद आ रही है इसको। ये बंदा जी सऊदी अरेबिया से अभी स्पेशली आया है बर्थडे पर। थैंक यू सो मच तसीफ साहब। आए आए लाली, चेक करो लाली है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो? आ गए हो सरगोधा से? नहीं मैं कराची से आया हूँ। अच्छा सीधा? मैं कल आया हूँ कराची। कल कराची से आए हो, आज इधर आ गए हो। थैंक यू सो मच यार, शुभादा बंदा है उमर। थैंक यू यार, पप्पी के लिए 20 रुपए हो गए हैं। क्या हाल है भाई, तू भी कराची से आया है? मैं आया हूँ सरगोधा से। तुम कराची से सरगोधा? अच्छा अच्छा, मामू के पास। वो रो रही है। और जी टीको, थैंक यू यार, तू भी मेरी जान बहुत ही प्यारा। नहीं लग रहा, मैं अभी मैंने गेम बजाया नहीं है, फिर हैप्पी बर्थडे मेरी जान को, और आपको बहुत मार को बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू, तू आया मेरी जान, टाइम निकाल कर आया, और मैं पूरे टाइम पे आया, पूरे टाइम पे नहीं आया, लेट आया भाई। यकीन मानो 2 बजे का टाइम था, तुम लोग 4 बजे आए, तू भी 4 बजे आया, ये लोग भी 4 बजे आए हैं, और तुम लोगों के इंतजार की वजह से हम लोगों ने केक नहीं कट किया। बस ये लव यू, हां ना, केक ना कट हो यार केक। ओ जली भाई, जाली पूरे टाइम से है यार, ये 12 बजे आ गया था, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी थी कुर्सियां लगाने की, इसलिए ये 12 बजे आ गया। पौने 4 बजे आए। अच्छा क्या हो गया? तो बनाइए वीडियो, बनानी नहीं? नहीं मैंने नहीं बनानी, चल तू बना जाके। यारा हो यार, कैसा इसकी उर्दू यार, इसकी मुझे ना पंजाबी की मजा आता है। यारा हो यार, पंजाबी तो सही बोल रहा हूँ। ट्रेन चल पड़ी है, ट्रेन चल पड़ी है, झूला ट्रेन चल पड़ी है, लेकिन अभी बच्चों को ही झूले लेने दो, बच्चे हैं। ओए ट्रेन के आगे एलिफेंट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बड़े टाइम पे आया यार। ब्रो मंगीदा पाके आया, क्या यार स्वैगी लग रहा है शेख, अपने इवेंट है, घबरा क्यों रहा है? ठीक ठाक, तू सुना, पहुंच गए हो? काफी टाइम से आए हो, क्या टाइम हो गया? 4:15, 1 बजे का टाइम है यार। भाई तुझे पता है सुबह फ्लाइट लेट हो गई। अच्छा, तब से मेरा कान इतना दर्द है, डॉक्टर से होके आ रहा हूं मैं, वो पता नहीं, कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, एंड होते मेरे कान इतना सवेर दर्द था सुबह का। चलो खैर आ गए हो, थैंक यू सो मच यार, आओ बैठो। ईदल का प्यारा सा केक भी आ चुका है, बस अब 10-15 मिनट में केक कटिंग करेंगे हम लोग। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear, happy birthday, happy birthday to you, to you, happy birthday। केक कटिंग वगैरह हो चुकी है, अब बस बारी है खाना खाने की। खाना बस 10-15 मिनट में खुल जाएगा, और तब तक बच्चों का यहाँ पर जी फेस पेंट चल रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे फेस कलर हो रहे हैं, वाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैजिक शो चल रहा है, सारी औरतें अपने अपने बच्चों को आगे कर रही हैं। जा जा तू जा, तेरी बारी आनी चाहिए।
क्या निकलेगा? सांप बनेगा मुझे लग रहा है। सांप बनाएगा भाई, क्या बनाएगा? सांप बनाएगा, सांप निकलेगा। इसने तो रस्सी खड़ी कर दी है। खाना जी खुल चुका है फाइनली, और खाने में है चिकन मंचूरियन और ये चिकन कोरमा, गर्मा गर्म लाइव तंदूर वाले नान। कभी साहब मर्सी है भाई, खाओ खाओ खाओ। और साथ में एग फ्राइड राइस, और साथ में ओए 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 पीछे ना पीछे ना ओए, फिश तो सारी खत्म कर दी है यार। फिंगर फिश खाती जा रही है वहाँ, खाती जा रही है, खाती जा रही है, खाती जा रही है, खाती जा रही है। और यहाँ बन रहे हैं गर्मा गर्म अंडे वाले बर्गर, और इस तरफ जी बन रही है गर्मा गर्म जलेबी, और इस तरफ जी दही भले। वाह भाई वाह, भले भले। चीजें में से और भी है, लेकिन मेरा अभी सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले दिल कर रहा है अंडे वाला बर्गर खाने को। आए हाय हाय, मजा आने वाला है। सारा इवेंट गुजर गया, खाना खा लिया लोगों ने, मैजिक शो देख लिया, अब जाकर मेरा बच्चा उठा है, जिसकी बर्थडे थी वो अब उठी है। ये रिदा की तरफ से। अच्छा, पहनाओ जरा इसे, आती है। वैसे भी गिरा देगी ना पहनाई। गिरा देगी, चलो वैसे ट्राई तो करें। मैंने कहा एजल के नान के टाइम पे आने की जगह सबसे ज्यादा लेट आप लोग आए हैं, और एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं? हमारी बत्ती नहीं थी। पाकिस्तान में रहते ना, ये तो बत्ती का ना पानी। फिर तो आपका लेट आना पक्का था। इनके बालों को देख के आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि लाइट वाकई नहीं थी? मैं समझा शायद स्टाइल है। ये क्या चल रहा है? ये केक पैक करवाना था? आप लोगों ने तो खिलाना नहीं है, मैंने सोचा मैं खुद ही खा लूं। आपने खाना नहीं है, आप आई इतना लेट हैं। जब भी खाना शाना खाया गया, डिनर शिनर हो गया, वो मैजिशियन ने अपना जादू शादू दिखाया। बुलाए, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है हमारी। अभी का पार्टी ऐसे करते हैं। इनको अंडे वाला बर्गर मिला था। ओए ओए, केक केक किधर किधर हम और जा रहे हैं, भाग रहे हैं भाई। बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हो चुकी है, अभी बस दोस्त लोग आ चुके हैं एक जगह पर, जहाँ अभी कमल लोग बैठकर वीडियो बना रहे हैं। ये दो फोटोग्राफर्स, इनका फोटोशूट वगैरह, ये क्या वीडियो ही बना रहे हैं ना? ये वो अल्लाह का नाम पे दे रहे बाबा, वो वीडियो है। सबने ग्लासेस लगाई हुई। चलो खैर, बनाते रहो। और गर्ल्स लोग अंदर है, बॉयज लोग यहाँ पर स्नूकर वगैरह खेल रहे हैं। मेरा भी वैसे खेलने को दिल तो है, लेकिन चलो यार आज तुम लोग मौज मारो। ये मेरा चाचू है, ये अभी 8 बजे आ गया है बर्थडे पर अटेंडेंस लगवाने के लिए। इसको पता था कि टाइम 1 से 4 का है या 5 का है, लेकिन ये भाई साहब पहुंचे हैं 8 बजे। मैं शूट पे बिजी था, मेरा शूट चल रहा था। कौन सा शूट था तेरा? ड्रामा आ रहा है नया। ड्रामा आ रहा है नया। सुनो यार इसकी, भाई क्या हाल है? टाइम से आ गए हो यार, बड़े टाइम पे आए हो। खाना जाना भी खत्म हो गया, केक शेक कटिंग भी हो गई है। पीछे जाया करो, इतना फेस के ऊपर ना लाया। फेस के ऊपर क्यों ना लाऊं? बस ऐसी खूबसूरती वो नुमाया होती है, ऐसी और लड़की आ जाए। चेक कर ना, खूबसूरती चेक कर, कहते लड़कियां अट्रैक्ट होती। पहले एक तो सांभ ही नहीं गई तेरे से। कहते लड़कियां अट्रैक्ट होती है। 2-1 यस क्यू इधर। तो जी आज तंग आ गई है, माशाल्लाह इसने बहुत 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 ज्यादा एंजॉय किया है, और बहुत अच्छे से इवेंट स्पेंड भी किया है। और अभी हम लोग आ चुके हैं घर, सबर की चीज का क्यों? लोगों को बर्दाश्त करने का। हाँ ना, पिक्चर्स वीडियोस इस तरह से तंग आ जाती थी एक दफा तो, लेकिन फिर ठीक हो जाती थी। खैर आज का हमारा इवेंट बहुत जबरदस्त गुजर गया, बहुत जबरदस्त गुजर गया। अभी अभी बस हम लोग घर पहुँचे, घर पहुँचते ही मैंने अपने कपड़े चेंज किए, कपड़े छपड़े चेंज करने के बाद अब प्लान ये है कि जाएंगे क्रिकेट के। खेल रहा है तुमने? नहीं। नहीं तुम नहीं खेलती? नहीं मैं नहीं खेलती। तुम क्या खेलती हो? मैं कुछ भी नहीं। तू तो भी नहीं खेलती? तू टीटी खेला करो ना। आज तुमने एंजॉय किया था बर्थडे पर? हाँ। इधर तो क्या दिख दिया तुमने? कुछ नहीं। तू तो भी नहीं दिया। चलो यार निकले क्रिकेट के लिए। चलो टीट फिर गिफ्ट लेते आना आइंदा से इधर के लिए। टीट है ठीक है, धर्म आ दिए तो एजल के सारे गिफ्ट्स का ढेर हम लोगों ने अपने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। अब इनकी अनबॉक्सिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है? हमारा प्लान तो है क्रिकेट का, लेकिन इस भाई साहब का प्लान है फ्लाइट अपनी लेने का।
कैसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान से वापस जा रहे हो? 2:30 बजे सोचा ही फ्लैट है मैं, अगर राती जागा। हाँ जी, ये तेरे से आज की सबसे बड़ी गलती हो जानी। अच्छा, इसको लग रहा था कि शायद इसकी फर्स्ट की दोपहर 2:30 बजे की फ्लाइट है, लेकिन जब भी मैंने इसकी टिकट देखी मैंने कहा भाई ये दोपहर 2:30 बजे की नहीं, तो और किसने देखी? इसने भी देखी है, लेकिन मैंने भी तुझे कहा है कि भाई ये दोपहर की नहीं है, ये सुबह 2:30 बजे की है। चलो खैर, अपना बैग पकड़ो निकलो, सादिक भाई के साथ चले जाओ, वो तुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। हम लोग नहीं जा सकते माजरत यार, क्योंकि हमारा प्लान है क्रिकेट का। ओके जी शेख साहब, सुबह 2:30 भेजने लगे हो यार, मेरी तो नहीं भाई, इसकी टिकट इस टाइम की थी, बर्थ भी नहीं होती सोने वाली यार, सोने का कोई सीन नहीं है। जाओ खैर, टिकट खेलने के लिए हम लोग आ चुके हैं। और मेरा यार राजा 32 स्कोर खाया है, मेरी मुखालिफ टीम में है ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ कि इसने 32 खाया, हमारा स्कोर बन गया यार इसके 32 खाने की वजह से। बहुत हो गई है जी क्रिकेट में खजल खराबी, चलेंगे घर वापस। सारा दिन इवेंट में भी खड़े ही रहे हैं और यहाँ आकर 2 घंटे क्रिकेट खेल लिए। अब कसम से यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों टांगे दर्द कर रही हैं यार। क्या पुलिस, पुलिस को क्या हो गया है? पहली वीडियो लाई हो प्लीज। क्या रहा प्लीज? चल स्टोरी सुनाना यार, वो अपनी बहादुरी वाली जो सऊदीया में तूने वो 10 काले उर्दू में सुना दे। मैं उर्दू नहीं सुनानी, मेरी गल सुन दे भी। अच्छा पंजाबी में सुनानी है? पंजाबी सुना। चल पंजाबी में सुना दे। सरकार मेरी मैं सरकार। चल सुना आप शुरू कर। चल ला यार अब सुना दे। चल सीरियस हो जा, तू बंद कर। अभी सीरियस हो, कैमरा बंद कर। क्यों तू बंद कर ना? क्यों मैं बोल रहा हूँ बंद करो। सुना यार, चल सुना दे ना। अच्छा चल सुना, 5 काले थे फिर दुबई पे ना जिधर, फिर मैं पूछूंगा फिर। अच्छा उर्दू पंजाबी ना अभी तो ये मिक्स करने की कोशिश कर रहा। खैर ये नहीं सुना पाएगा, मैं खुद ही सुना देता हूँ। ये ना अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे अपनी बहादुरी का एक किस्सा सुना रहा था। उसमें किस्सा कुछ इस तरह था, कहता मैं ना यार जद्दा में था सऊदी अरेबिया में, वहां ना मैं रोटी दूध पत्ती इस तरह की चीजें बाहर से ना ग्रोसरी करने के बाद अपने अपार्टमेंट में जा रहा था, तो जाते जाते ही ना 5 काले इसको लूटने के लिए आ गए। कहता मेरे पास कैश भी था, मोबाइल भी था, चीजें भी थी। तो यकीन मान चौधरी, मैं पूरे 10 मिनट उनके साथ लड़ता रहूं अकेला। मैंने कहा 10 मिनट के बाद क्या हुआ है? 10 मिनट के बाद कुछ नहीं यार, मेरे कपड़े छपड़े फट गए, हर चीज फट गई और हर चीज ले गए। मैंने कहा इसमें बहादुरी क्या है? 10 मिनट लड़ता रहा हूं, ये बहादुरी है। सरकार हकीकत गल है और इस गल दे 10 बंदे गवाह हो गए, वो भी तुहानू देंगे। कैसे? तू तो कह रहा उस टाइम कोई है ही नहीं था। जेल मले दलेर ते जेल मले को शहर नहीं खड़न देंदे अगले कोई, ठीक है? ते असीं उन्हां नाल 10 मिनट लड़िया मैं कल्ला, ठीक है? ते कोई शहर नहीं उन्हां खड़ी, सरकार मेरी नसे जुतियां ला के दौड़ गए। नो क्यों जी मजाक नहीं तू? अच्छा मार भी ये खा रहे, जुतियां उतार कर भी वो भाग रहे, कुछ स्टोरी की समझ नहीं आ रही। जुतियां तां लाइया सी, उन्हां ने डील होग से उन्हां लई सी 5-5 हज़ार दी जुती। इन्हें कहा भाई मैनू मारो भी, सवेरे 7 हज़ार दी जुती भी बेच के जावांगा तुहाडी। क्या यार अजीब बरार ने ना बोर करके रख दिया। सही बात है, मैं समझा पता नहीं कौन सी बात करेगा। खैर यार हमारा तो शुगर मेला चलता ही रहेगा। आप दें हमें आज के ब्लॉग से इजाजत, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, पुश द बेल आइकन, ताकि हर आने वाला नया ब्लॉग आपको घंटी बजाकर नोटिफिकेशन देता रहे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह। Parece saber cuándo volver a mí. Of all my blessings, eres la fruta.